हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। नसीब कैसे चमकता है ये बात जाननी है तो हिंदी सिनेमा के महाफ्लॉप एक्टर सुमित सहगल की कहानी जानिए। फ्लॉप फिल्मों के बेताज बादशाह की किस्मत एक्टिंग छोड़ते ही कैसे अचानक पलट गई और वो कहां से कहां पहुंच गए, उनकी कामयाबी आपको हैरान कर देगी। 80 और 90 के दौर में कई सुपर फ्लॉप एक्टर आए। इनमें सबसे ऊपर के नामों में सुमित सहगल भी आते हैं। 18 फरवरी 1966 को बंबई में पैदा हुए थे सुमित। वैसे ये बॉलीवुड में कैसे पहुंचे ये किस्सा आपको सुनाते हैं। असल में इनका परिवार सिनेमा से ही जुड़ा था, क्योंकि पिता कृष्ण सहगल उस जमाने के जाने माने सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे। सुमित के पिता से फिल्मी लोगों का अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको भी सिनेमा थोड़ा बहुत प्रभावित करने लगा था। 1981-82 की बात है, सुमित 15-16 साल के रहे होंगे। उनके पिता एक फिल्म में काम कर रहे थे, नाम था मैं आवारा हूँ। पिता सेट पर जाने के लिए निकल रहे थे तो सुमित बोले कि पापा मैं भी साथ चलूंगा। पिता उनको साथ भी ले गए। वहां सेट पर शूटिंग देखी तो बहुत पसंद आई। इसके बाद तो उनके पापा जब भी सेट के लिए तैयार होते सुमित भी साथ चल देते। बस यहीं से उनको एक्टिंग का चस्का लग गया। थोड़ा बड़े हुए तो पिता से बोले कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। पिता की जान पहचान बॉलीवुड में अच्छी थी तो उन्होंने जुगाड़ लगाना शुरू किया। डांस मास्टर कमल एक फिल्म प्लान कर रहे थे, उन्होंने सुमित को साइन कर लिया। उनको डांस और घुड़सवारी सिखाने लगे, मगर फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद मशहूर फिल्म नाचे मयूरी में उनको मौका मिला, मगर 3 दिन बाद ही फिल्म से बाहर भी कर दिए गए। कहीं बात नहीं बन पा रही थी कि अचानक किस्मत साथ दे गई। 1987 की बात है, राजकुमार कोहली राज बब्बर और धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म बना रहे थे, इंसानियत के दुश्मन। फिल्म में सुमित को भी रख लिया गया और एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म तो चल गई, मगर सुमित पहली फिल्म से कोई पहचान नहीं बना सके। हाँ, लोगों को इनकी मासूमियत जरूर पसंद आया करती थी। वैसे चेहरा मोहरा अच्छा था और पिता की जान पहचान थी तो आगे भी मौके मिलते रहे। मगर सुमित सहगल अपने दम पर कोई फिल्म कामयाब नहीं कर सके। उनकी गिनती हमेशा सेकंड लीड अभिनेता के तौर पर ही होती रही। वो दौर मिथुन और गोविंदा का था। उनके दमदार अभिनय के आगे सुमित का साधारण सा अभिनय चल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने कई फिल्में की, जैसे संजय दत्त के साथ ईमानदार, मिथुन के साथ परम धर्म, आदित्य पंचोली के साथ लश्कर या फिर बाहर आने तक, मगर सब में सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए। एक्टिंग में कोई दम नहीं रहा और धीरे धीरे इनकी गिनती बॉलीवुड के सुपर फ्लॉप अभिनेताओं में होने लगी। 1995 में 2 फिल्में की, साजन की बाहों में और सौदा, दोनों ही फ्लॉप हो गई। इसके बाद तो उनको फिल्में मिलना ही बंद हो गई। फिल्म मेकर उनसे कन्नी काटने लगे, क्योंकि उनके ऊपर सुपर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग चुका था। सुमित भी अब समझ चुके थे कि एक्टिंग में तो उनकी दाल नहीं गलेगी। इसी वजह से 1987 से 1995 तक 30 फिल्में करने वाले सुमित ने अभिनय से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। मगर अभी तो नसीब पलटना बाकी था। इस किस्से को बताने से पहले उनकी 2 शादियों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पुराने जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो की एक भतीजी हैं शाहीन बानो, वो भी किसी जमाने में हीरोइन थी। अविनाश वधावन के साथ उनकी एक फिल्म सुपर हिट हुई थी, नाम था आई मिलन की रात। मगर दिलीप कुमार को शाहीन का फिल्मों में नाच गाना पसंद नहीं आया तो उन्होंने एक दिन अपने साले सुल्तान अहमद को शाहीन की शादी करने को कह दिया। उन दिनों शाहीन का अफेयर सुमित सहगल से चल रहा था। घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो गए और 1990 में दोनों की शादी भी हो गई। 7 साल बाद सुमित और शाहीन की एक बेटी हुई, सायशा सहगल। मगर सुमित और शाहीन का रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा। इसी बीच सुमित की जिंदगी में एक और अभिनेत्री फराह नाज आ गई, जो दारा सिंह के बेटे बिंदु को छोड़ चुकी थी। दोनों का अफेयर चलने लगा। इसी बीच साल 2003 में शाहीन ने उनको तलाक दे दिया तो
तो सुमित ने उसी साल फराह से दूसरी शादी कर ली। अब बताते हैं कि 90 का महाफ्लॉप अभिनेता एक्टिंग छोड़ते ही कैसे चमक गया। सुमित सहगल ने एक्टिंग में फ्लॉप होने के बाद प्रोडक्शन लाइन में किस्मत आजमाई और हैरानी की बात है कि उनका पूरा नसीब ही पलट गया। उन्होंने सुमित आर्ट नाम की कंपनी बनाई जो दूसरी भाषा की फिल्मों की हिंदी में डबिंग करने लगी। इस कंपनी ने उनको कुछ ही सालों में इतना कामयाब बना दिया कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। उनकी कंपनी के पास इतना काम आ गया कि संभालना ही मुश्किल हो गया। पैसा इतना आ गया कि वो बॉलीवुड फिल्मों में पैसा तक लगाने लगे। इन दिनों सुमित अपनी पत्नी फराह के साथ अपनी करोड़ों की कंपनी संभाल रहे हैं। एक जमाने के फ्लॉप एक्टर की किस्मत एक्टिंग छोड़ते ही चमक गई। दोस्तों, आपको सुमित सहगल याद हैं? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।